दोस्तों ये देखिए आप माइको अस्सी तीस हाईब्रिड सरसों ये सरसों 110 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं 125 दिन की ये वे, वेराइटी है और 110 दिन से ऊपर ये निकाल चुकी हैं 15 दिन और इसके बचे हैं इसके जो मेचोरिटी समय है उसमें पंद्रह दिन और बचा है और लगभग इसका जो बीज भराव का कार्य है आप देख लीजिए ये यहाँ तक ऊपर तक ये ऊपर की जो फलियां हैं ये पाँच सात फलियाँ ये यहाँ तक की फलियाँ ले लीजिए आप ये यहाँ तक की ये थोड़ी छोटी रह गई है बाकी सारी ओवरऑल फलियाँ देख लीजिए आप ये सारी फलियाँ बन गई हैं और देख लीजिए एक एक डाली में फलियाँ देख लीजिए आप कितनी फलियाँ हैं देख लीजिए आप दोस्तों अगर बात करें हम एक डाली की तो ये जो आप पहली डाली देख रहे हैं बड़ी वाली इसमें पचास से ऊपर फलियाँ हैं तीस में तीस फलियाँ इसमें हैं पंद्रह बीस फलियाँ इसमें हैं और ये एक फुटाव है ये इसका एक फुटाव है और ऐसे इसमें पच्चीस तीस इसमें इस, इस, इस सरसों में फुटाव लगे हैं बात करें फलियों की तो फलियों की बनावट देख लीजिए आप ये अच्छी बड़ी इसकी बनावट है और बीज की बात करें तो इस एक पली में बीस के आसपास बीज हैं प्रत्येक पली में बीज हैं बीस के आसपास और इसके लगभग अस्सी परसेंट इसका बीज भराव का कार्य पूरा हो गया है बीज ठोस होने लगे हैं ये देख लीजिए आप ये बीज इसके ठोस होने लगे हैं बस अब जो पंद्रह दिन इसके बचे हैं ये पंद्रह दिन इसके पकने का समय है इसका बीज भराव का कार्य लगभग लगभग पूर्ण हैं ये देखिए है आप ये और इसके जो बीज की बात करें तो ये बीज लगभग ठोस हो गए हैं और अब पंद्रह दिन में इसका बीज बड़ा होगा एक सौ पच्चीस दिन की ये वैरायटी है एक सौ दस दिन से ऊपर ये अभी निकाल चुकी है और संभवतः तो जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक इसकी स्थिति को देखते हुए मेरा मानना है कि 125 के भी ये ऊपर जाएगी 130 दिन ये क्रॉस कर सकती है 125 दिन की ये वैरायटी है तो 130 दिन 130 दिन ये क्रॉस कर सकती है यहाँ पर कुछ मन में मेरे मन में कुछ आशंकाएँ हैं कि ये जो ऊपर की जो फलियाँ हैं इनका क्या होगा तो दोस्तों ये ऊपर की जो छोटी फलियाँ हैं छोटी फलियों का जो बीज बराव है वो सही से नहीं हो पाएगा उसका कारण है कि बहुत अधिक मात्रा में तापमान का बढ़ जाना तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फसल आए दिन बिल्कुल तुकती जा रही है आती जा रही है और बिल्कुल ये आप ये बहुत जल्दी ये फसल आ जाएगी नहीं तो ये जो बीज का बीज भराव का कार्य है बड़े अच्छे से होता तो सरसों का एक ही फंडा है कि सरसों जितनी आगाती होगी उतनी ही अच्छी बनती है इक्की दुखी पर जो ऊपर ऊपर की जो फलियाँ हैं इन फल अगर इन फलियों को छोड़ दिया जाए तो इसकी सारी फलियों का जो बीज भराव है वो हो जाएगा लेकिन इन इक्की दुक्की फलियों के लिए ये जो बची है इन इक्की दुक्की फलियों के लिए अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के मार्केट में जो स्प्रे के लिए दवाइयाँ आती हैं और अगर हम उनका स्प्रे इसमें करते हैं तो इसमें हमें यहाँ फायदे की जगह नुकसान उठाने को मिलेगा अगर उन चीज़ों का हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे जैसे कि मान लीजिए कि एन पी के जीरो जीरो पचास अगर हम उसका स्प्रे यहाँ पर करते हैं तो टेम्परेचर देख लीजिए आप इतना अधिक हाई टेम्परेचर है पानी दिए इस सरसों को बहुत दिन हो गए और अगर हम यहाँ पर एन पी के जीरो जीरो पचास का स्प्रे अगर हम इस फसल में करते हैं तो ये फसल आठ दिन में आ जाएगी जहाँ इसको बीस दिन निकालना है वहाँ ये आठ दिन में ही पककर तैयार हो जाएगी जल्दी आ जाएगी और उससे होगा क्या कि जो बीज जहाँ जिस स्थिति में है वहीं पर हो जाएगा कारण है उसका कि उसमें पोटास की मात्रा है यहाँ पर अगर हम बोरान का स्प्रे करते हैं तो बोरान में भी पोटास की मात्रा तो भी हमें नुकसान उठाने को मिलेगा तो कुल मिला के मेरे कहने का आशय है कि हमें अब किसी प्रकार के हमें यहाँ पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है ये इक्की दुक्की फलियों के चक्कर में ना पड़ें और हमें किसी प्रकार के यहाँ पर स्प्रे की अब आवश्यकता नहीं है अगर स्प्रे करेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान होगा यही स्प्रे अगर हम करना चाहते तो पहले कर सकते थे एन पी के जीरो जीरो पचास और बोरान का इनका स्प्रे हम आज से पंद्रह दिन पहले करते तो हमें फ़ायदा मिलता क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम था और इसमें बीज भराव का कार्य भी शुरू हो रहा था तो इसमें बीज भराव का कार्य लगभग हो गया है और स्थिति आपके सामने है और इसमें अब माहू का भी अब टेंशन नहीं है क्योंकि हालांकि महू के लिए मैंने इसमें स्प्रे किया था और उसके अलावा मैंने इसमें बाद में फली डाल पाउडर भी फेंका था उसकी वजह से महू की अब टेंशन इसमें बची नहीं है महू का कहीं से कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और सरसों का छिलका मजबूत हो जाता है मोटा हो जाता है उस समय भी महू की इसमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता है जो महू है जो कमज़ोर फलियां होती है उनमें नुकसान पहुंचाता है जो मजबूत फलियां हो जाती है उसमें महू इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो महू वाली तो अब इसमें कोई समस्या बची नहीं है अब यहाँ से इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगला पंद अगले पंद्रह दिन के अंदर ये फसल लगभग है कि ये पंद्रह से बीस दिन में ये फसल आ जाएगी तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसी है ये हमारी माइको अस्सी तीस हाईब्रिड सरसों अगर सरसों अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और इस किसान के चैनल को संभव हो सके तो सब्सक्राइब करना नमस्कार